हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित चावला और आप लोग देख रहे हैं कैनटेक। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के कारण हम अपने टैलेंट या किसी भी न्यू थिंग को एक्सप्लोर कर पाते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी या अपने इंटरेस्ट को और आगे बढ़ा पाते हैं और इजिली अर्न कर सकते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो पहले एक वेबसाइट था बट इतना पॉपुलर हुआ कि धीरे धीरे एक ऐप बन गया और इसे सब लोग यूज़ करने लगे और आज वो हर एंड्रॉयड मोबाइल में उसका ऐप इनबिल्ट मिलता ही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं यूट्यूब की। यूट्यूब 3 एम्प्लॉयज़ ने बनाया था जो कि पेपल कंपनी में काम करते थे और उनके नाम थे चार्ड हर्ली, स्टीव चैन, जावेद करीम। उस टाइम पे चार्ड हर्ली डिज़ाइन स्टडी कर रहे थे और स्टीव और करीम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे। यूट्यूब का फर्स्ट हेडक्वार्टर पिजेरिया के ऊपर था जो कि सैन मैटियो कैलिफोर्निया में था। धीरे धीरे करके अप्रैल 23 में ही अपलोड बटन जो था इसमें अपलोड ऑप्शन वो अनेबल्ड किया गया और उसमें फर्स्ट वीडियो अपलोड किया गया मी एट द जू बाय को फाउंडर जावेद करीम एट सैन डिएगो जू। धीरे धीरे करके फिर यूट्यूब बढ़ने लगा, मीन्स ग्रोथ होने लगी और उसमें इन्वेस्ट करने लगी कंपनीज ने, जैसा कि उसका फर्स्ट डोमेन था www.youtube.com जो कि एक्टिवेट होता मंडे 14 फरवरी 2005 9:13 PM को। ऐसे ही उसी साल नवंबर 2005 में सीकिया कैपिटल इन्वेस्टेड $3.5 मिलियन और उसी फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में 2006 में आर्टिस्ट कैपिटल मैनेजमेंट ने $8 मिलियन में इन्वेस्ट किया। फिर 2006 में ही YouTube AdSense से लिंक हो गया। अब हम बात करते हैं YouTube के ग्रोथ की। YouTube की ग्रोथ स्टार्ट हुई सबसे ज़्यादा 2006 में और उसके बाद 2006 में समर में YouTube को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग साइट कहा गया वर्ल्ड वाइड वेब में, जिसमें 65,000 से भी ज़्यादा न्यू वीडियो अपलोड्स हो चुके थे और एवरेज इसमें 100 मिलियन वीडियो व्यू आते थे पर डे में जुलाई में 2006 में। और इसे 5th मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट कहा गया था एलेक्सा द्वारा और 20 मिलियन विजिटर्स इसमें आते थे पर मंथ अकॉर्डिंग टू नेट रैंकिंग। धीरे धीरे 9 अक्टूबर में गूगल ने इसे बाय किया $1.65 बिलियन और कुछ एग्रीमेंट साइन कराए, जैसे ये साइन हुआ था कि अवॉइड करने के लिए कॉपीराइट वगैरह वीडियोस के। और यूट्यूब उस टाइम पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा था अपने को फाउंडर्स के साथ, 68 एम्प्लॉयज और गूगल के साथ, और इस कारण बहुत ग्रोथ हो गया यूट्यूब का। और धीरे धीरे करके 7 फरवरी 2007 में इंक्रीज प्रॉफिट हो गया इतना हर्ली का, मीन्स चार्ड हर्ली का 395 मिलियन वो कमाने लगे और स्टीव चैन का $326 मिलियन से ज़्यादा कमाने लगे। फिर धीरे 2007 में इनको कई सारे टाइटल दिए गए और एक टाइम मैगजीन ने दिया था पर्सन ऑफ द ईयर का। और 2007 में 19 जून में YouTube डिस्ट्रीब्यूट हो गया था पूरे 89 कंट्रीज़ में और वन टेरिटरी जो कि हांगकॉन्ग थी, और मींस कह सकते हैं पूरा वर्ल्ड वाइड वर्जन हो गया था YouTube। इंडिया इसमें 20 नंबर में ज्वाइन किया था ऑन 7 मई 2008 और 2007 में ही 76 लैंग्वेज वर्जन बन गए थे YouTube के। और 2008 to 2010 ये बैन हो गया था टर्की में और 2012 में वापस लॉन्च हो गया था। फिर 2007 से लेकर 2013 तक बहुत ग्रोथ हुई YouTube की। YouTube को कई सारे अवार्ड मिले, टाइटल्स मिले और ये बहुत ग्रो हो गया। इस टाइम पे लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए या वीडियो का हाउ टू अगर जानने के लिए सिर्फ YouTube में ही सर्च सबसे पहले करते थे। तो YouTube ने भी फिर अवार्ड देना शुरू किया एज द वीडियो ऑफ द ईयर, म्यूजिक वीडियो ऑफ द ईयर, कॉमेडी वीडियो ऑफ द ईयर, मींस एक्सेट्रा, मतलब सब कैटेगरीज में अवार्ड देना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके YouTube में मोनेटाइजेशन रूल लाने लगे जो आज भी जारी है। आइए अब हम बात करते हैं YouTube के कुछ चेंजेस जो हुए हैं 2005 से लेकर 2015 तक। तो 2005 में जुलाई में वीडियो HTML एम्बेडमेंट, मींस जो कि वीडियोस अपलोड होते हैं यूट्यूब में वो हर ब्राउज़र में ओपन करना पहले HTML कोडिंग से आसान नहीं था, बट उसमें जुलाई में 2005 में ये अनेबल हो गया था। जुलाई में ही टॉप वीडियोस पेज आ गया था, अगस्त में स्टार्स रेटिंग सिस्टम, अक्टूबर में 3 चीज़ आई थी, एक प्लेलिस्ट, एक फुल स्क्रीन व्यू और सब्सक्रिप्शन। फिर 2006 में जनवरी में ग्रुप्स फंक्शन आया, फिर फरवरी में इसमें
पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल्स आई, मीन्स अपनी प्रोफाइल बनाना, और मार्च में 10 मिनट वीडियो लिमिट आई थी, अप्रैल में इसमें डायरेक्टर फंक्शन आया था, और मई में वीडियो रिस्पॉन्सेज इसमें देख सकते थे, और मई में इसी में सेलफोन अपलोडिंग शुरू हो गई थी, जून में फर्दर पर्सनलाइज प्रोफाइल्स मीन्स न्यू चीज़ें आ गई थी, फर्दर मीन्स और भी चीज़ें ऐड हो गई थी प्रोफाइल्स में डालने के लिए, जून में हिस्ट्री देखने के लिए ऑप्शन आ गया था, और फिर 2007 में जून में लोकल लैंग्वेज वर्जन में न्यू आ गए, जैसे हमने बताया था आपको कि 78 लैंग्वेज वर्जन बनी है 2007 में। फिर 2008 में इसमें मार्च में 480p के वीडियोस अपलोड होना शुरू हुए, मार्च में ही वीडियो एनालिसिस टूल आया, और दिसंबर में ऑडियो स्वैप आ गया कि आप ऑडियो मतलब डाल सकते हैं कोई और ऑडियो अपने वीडियो में। फिर 2009 में जनवरी में गूगल वीडियो अपलोडिंग हाल्ट आ गया, मीन्स आप अपने अकाउंट से इजीली अपलोड कर सकते थे। जुलाई में 720p वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गए थे, नवंबर में 1080p के वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गए थे, और दिसंबर में ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आ गया था, दिसंबर में ही वेवो लॉन्च आ गया था, और 2010 में मार्च में थम्स रेटिंग सिस्टम आ गया था, मीन्स थम्स ऐसा दिखाता है जो रेटिंग सिस्टम, जुलाई में 4K वीडियो अपलोडिंग 2010 में आ गया था, और 2011 में यूट्यूब एनालिसिस देखना शुरू है एनालिटिक्स, और 2011 में नवंबर में यूट्यूब एनालिटिक्स देखना शुरू हुए, नवंबर में ही इसमें फीचर फिल्म आ गया था, और नवंबर में ही इसमें फीचर फिल्म रेंटल आ गया था, और 2012 में जून में इसमें मर्जर विद गूगल वीडियोज़ आ गया था, और 2013 में इसमें कुछ भी खास नहीं हुआ, 2014 में इसमें अक्टूबर में 60fps के वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गए, और 2015 में मार्च में 360 डिग्री वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गए, और नवंबर में यूट्यूब रेड लॉन्च हुआ था, एस यू कैन सी यूट्यूब रेड। सो इतने सारे चेंजेस हुए हैं, और आज भी यूट्यूब हर मतलब जिसको भी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन जाननी रहती है, हाउ टू या कुछ भी लर्न करना रहता है, तो आज सबसे पहले हम लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं। YouTube में आज कई करोड़ों चैनल बन गए हैं, टेक के, कुकिंग या प्रोडक्ट, डेली प्रोडक्ट, मीन्स कुछ भी ऐसे चैनल बहुत सारे बन गए हैं, तो YouTube अभी तो बहुत ग्रो कर रहा है, इस कारण मोनेटाइजेशन रूल्स आ गए हैं, यहाँ अभी बहुत कुछ चेंजेस आएगा आगे भी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल भी